सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे व्हाट्स अप गाइस, तो फ्रेंड्स यहां पर ना मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं Redmi नोट 7 प्रो डिवाइस को लेकर। यार यहां पर हमारे लिए एक न्यू अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुई है जो के है स्टेबल अपडेट, ना के बीटा अपडेट, ये है स्टेबल अपडेट। तो यहां पर जो हमें इसका वर्जन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है MIUI 10 3.5.0। तो यहाँ पर फुल चेंज लॉग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तो आपको देखने को मिली है तो ठीक है, अगर तो नहीं भी देखने को मिली तो आपको यहाँ पर डाउनलोड लिंक्स भी देखने को मिल जाएंगी। अगर तो भाई आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हो कि इसमें क्या कुछ देखने को मिला है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंडिंग तक देखते रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले Redmi नोट 7 प्रो डिवाइस के चेंज लॉक को लेकर के। इस डिवाइस में ये जो हमारे लिए अपडेट आई है इसमें में चेंज लॉक कौन सा देखने को मिलता है, तो यार यहां पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सिस्टम फिक्स की। सिस्टम में कुछ फिक्स आया है, ये आया है स्विचिंग बिटवीन स्पेसिस चेंज टेक्स्ट साइज। तो यार यहां पर जो हमारे मतलब स्पेस होता है फॉन्ट्स के लिए उनमें जो चेंजेस वगैरह हो जाते थे, कभी वो बड़े हो जाते थे कभी वो छोटे हो जाते थे, तो यहाँ पर यार इसे फिक्स कर दिया गया है। और उसके साथ ऑप्टिमाइजेशन में हमें देखने को मिला है सिक्योरिटी लेवल पेज अपडेट जो कि अप्रैल से बढ़ा दिया गया है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, इंक्रीज़ कर दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो यार कैमरा में हमें फिक्स देखने को मिलता है पहला जो कि है कैमरा फोर्स क्लोज व्हेन दी ऐप वाज क्लोज एंड ओपन अगेन इन दी वीडियो मोड। तो यार जब हम कोई भी एप्लीकेशन वगैरह ऑन कर लेते हैं कैमरा यूज़ करते हुए तो यार यहाँ पर जो हमारा कैमरे का वीडियो मोड था वो कभी खुलता था कभी बंद हो जाता था। बाद का ये सभी डिवाइसेज में नहीं, कुछ कुछ डिवाइसेज में होता था, तो यहाँ पर इसे भी फिक्स कर दिया गया है। अगले चेंजेस की बात करूँ तो यार हमें यहाँ पर न्यू कुछ मतलब नया कुछ देखने को मिल जाता है, न्यू ऑप्शन कह सकते हैं या मोड्स कह सकते हैं, न्यू मोड्स फॉर AI कैमरा। हमें यहाँ पर AI कैमरा के लिए कुछ मोड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बेस्ट है। और उसके बाद लॉक स्क्रीन स्टेटस बार और नोटिफिकेशन शॉर्ट की बात करूँ तो यार यहाँ पर हमें फिक्स देखने को मिलता है कॉल टाइम डबल ओवरलोड वेल नोटिफिकेशन आइकन। यार हमें हमारा जो नोटिफिकेशन है हमें देखने को मिलता है कॉल का आइकन वो ओवरलोड होता था, तो यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया गया है। और अगला जो फिक्स आता है वो आता है फिक्स लो बैटरी वार्निंग डज नॉट अपेयर इन दी लैंडस्केप मोड। यार यहाँ पर जब भी हमारी बैटरी वगैरह लो हो जाती है तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलना चाहिए जो नोटिफिकेशन कह सकते हैं आप, तो वहाँ पर वो कई बार नहीं लैंडस्केप मोड जब हमारा फ़ोन होता था तो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता था, तो अब यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्टिमाइजेशन आता है यू कैन ओपन होम स्क्रीन यूजिंग दी फिंगरप्रिंट आफ्टर योर फेस डेटा इज वेरीफाइड। तो यार यहाँ पर जो हमारा होम स्क्रीन में अगर हम यूज़ करते हैं फिंगरप्रिंट को, यार वो हमारा जब जैसे कि फेस डेटा हम जब वेरीफाई होता था तो उसके बाद ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता था, तो यहाँ पर इसे ऑप्टिमाइज़ किया गया है। हालांकि इसमें कोई बग वगैरह नहीं है, सिर्फ इसे ऑप्टिमाइज़ किया गया है, मतलब पहले से बेहतर कर दिया गया है। उसके बाद नए चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पर आ जाता है यू कैन रिसेट ओपनिंग नोटिफिकेशन स्टेट ऑन दी स्क्रीन लॉक नाउ। तो यार यहाँ पर जो मतलब कि नोटिफिकेशन शेड का कुछ चक्कर है लॉक स्क्रीन में, तो यार यहाँ पर मुझे इसका फुली इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्ट क्या है क्योंकि मेरे पास डिवाइस नहीं है, तो इसी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको खुद ही को पता होगा अगर वो आपके पास ये बग देखने को मिलता था। वैसे ये न्यू देखने को मिला है, ये पहले आपको कोई भी बग देखने को नहीं मिला होगा, ये न्यू है, तो इसमें आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन में। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे नोटिफिकेशन के लिए, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से। उसके बाद यार यहाँ पर फोन की अगर मैं बात करूँ यार फोन में हमें देखने को मिलता है फिक्स जो कि है एंडिंग कॉल्स टेक लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड। यार यहाँ पर हमारे कॉल स्क्रीन में कुछ चेंजेस थे मतलब कि यहाँ पर बग से उन्हें फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद अगले फिक्स की बात करूँ तो स्टेटस बार शॉर्टकट एंड फ्लोटिंग नोटिफिकेशन कॉल डज नॉट अपीयर एट द सेम टाइम। तो यार यहाँ पर जो स्टेटस बार है उसमें हमारे जो नोटिफिकेशन होते थे कॉल के वो कई बार डिसअपीयर नहीं होते थे, तो यार इसे यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। और ऑप्टिमाइज किया गया है मैसेज अवेलेबल वाज नॉट देयर प्रायोरिटी। यार यहाँ पर मैसेजिंग में जो हमारे नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं उनको यहाँ पर कर दिया गया है ऑप्टिमाइज मतलब बेहतर कर दिया गया है। उसके बाद यार डाउनलोड लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो यार यही चेंज लॉग था जो आपके सामने Redmi नोट 7 प्रो के लिए आया है 3.5.0 की अपडेट में। तो फिलहाल यार इस वीडियो में इतना ही। अगर तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।